हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूब इंडिया। तो आज हम आपको लेके आ गए हैं ब्रह्मपुत्र मार्केट स्ट्रीट फूड खिलाने नहीं, खाने। बड़ा हरामी हो बेटा। नोएडा की गलियों में आपको दिखाते हैं दिल्ली NCR। पहले हमने गुड़गांव दिखाता, अब नोएडा दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ खाने की जगह है, क्या क्या एक्सप्लोर करने की जगह है। तो आओ मिलके खाते हैं स्ट्रीट फूड नोएडा का। आओ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड तो भर भर के है, बट एक छोटा सा कैच है आज हमारे लिए और आपके लिए भी। हमको पूरा स्ट्रीट फूड कवर करना है ओनली इन ₹300। एक चैलेंज है, करके तो मानेंगे, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको देखने में मज़ा आएगा। जो जो प्लान कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र मार्केट में खाने का स्ट्रीट फूड, कुछ चटपटा खाने का, आप यहाँ पे आइए, खाइए और मजे करिए। हम तो मजे करने वाले हैं, अभी आपको भी दिखाते हैं। आ जाओ स्ट्रीट फूड खाइए, मजा आएगा। आ जाओ। अगर सबसे पहले तुमने राम लड्डू और पकौड़ों से स्टार्ट नहीं किया तो तुमने क्या खाक स्ट्रीट फूड खाया? तो सबसे पहले आओ, थोड़ा राम लड्डू खाते हैं, थोड़े पकौड़े शकोड़े खाते हैं, थोड़ा चटपटा पेट में जाए, वार्म अप होगा थोड़ा पेट का। आ जाओ। इससे जेन्युइन पकौड़े मैंने अपने वेस्ट दिल्ली में तो नहीं खाए, नोएडा में आके मिल गए। अभी हमको सिर्फ पड़े ₹50 के। अभी तो पूरी मार्केट बची है दोस्तों, अभी तो पकौड़े से स्टार्ट करा बस। आ जाओ। हमने पकौड़े तो बहुत खा लिए, अब हम सेकंड चीज़ क्या खाएं यार इतने आइटम में से। कैमरन क्या बोल रहे? हाँ आपको भी जानना हमने सेकंड क्या खाया है। एक सेकंड। पाव भाजी। पाव भाजी ना स्ट्रीट फूड का पार्ट होता है। अगर तो तुमने पाव भाजी नहीं खाया ना, अगर तुम स्ट्रीट फूड खाने निकलो पाव भाजी नहीं खाई ना, कहीं तुम्हें जेल वेल ना हो जाए, इसलिए क्या हो, पाव भाजी पहले खाओ फिर उसका दूसरे आइटम में खाओ। ये भैया ने क्या मक्खन मक्खन लगा के पाव बनाया, भाजी बनाई, इतनी टेस्टी लग रही है, क्या बताऊँ दोस्तों। सबसे पहले यही ट्राई करेंगे, यहाँ आओ ब्रह्मपुत्र मार्केट में, पाव भाजी तो खा के जानी है। हमको पूरी पाव भाजी की प्लेट पड़ी ₹80 की। ब्रह्मपुत्र मार्केट जरूर आओ और पाव भाजी तो खानी ही खानी। थोड़ा डिस्टर्ब बाद में करते, पहले खा लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। यार अब क्या खाएं इतनी जगहों में से, यार बिल्कुल अब क्या खाएं यार। आलू टिक्की, आ जाओ ये खाते, आ जाओ। मेरे को ना देख के पता लग रहा है कि यहाँ के आलू और यहाँ के टिक्की जेन्युइन बहुत स्वाद होंगे, और आपको रिव्यू देते हैं। आ दो। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ तीखापन, मिठास भी आ रही है, ना इतनी मिर्ची है ना इतना मीठा है, जैसे आलू टिक्की को होना चाहिए था उससे बल्कि ज़्यादा ही अच्छी बनी है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थे आलू टिक्की से, बट इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ के उसके भी आगे परफॉर्म किया। स्ट्रीट फूड आलू टिक्की के बिना। एंडिंग तो कुछ मीठे से करते हैं, मीठा 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 मीठा। मीठे की बात करी थी और मीठा हाजिर भाई साहब। तो हमने यहाँ पे अपना स्ट्रीट फूड ख़त्म किया मीठे के साथ, आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम का, और ये हमको पड़ी केवल और केवल ₹80 की। हमारा बजट तो हुआ यहाँ पे ख़त्म। हमने चार चीज़ें खाई, एक प्लेट पहले पकोड़े, फिर उसके बाद अपने पाव भाजी, फिर आलू टिक्की, और अब एंडिंग मीठे से करी है, ये है अपनी वनीला आइसक्रीम। अगर आपको भी ऐसी ऐसी मार्केट देखनी है, उसका स्ट्रीट फूड आपको एक्सप्लोर करवाना है, हम खाएंगे और आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। ये आइसक्रीम तो हम अभी हम खा लेंगे, आपको और भी बहुत कुछ खिलाना है और दिखाना है। चलिए मिलते हैं अगले भी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। और एक सेकेंड, हाँ हाँ मिलता है। एंड डोंट डिस्टर्ब योर मदर, आई लव यू। सब्सक्राइब कर देना। चलो ओके, बाय अगली वीडियो में।